18 से 25 साल की उम्र में जब हमारा करियर नहीं बना होता, यानी भविष्य निश्चित होता है, तो हमको डिसीजन लेने में हमेशा दिक्कत होती है। मैं कौन से करियर में जाऊं, मैं क्या नया सीखूं, एक साल और तैयारी करूं कि नहीं, मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेलूं या पढ़ाई करूं, इन सब बातों में उलझन हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, ये सब तो ऊपरी सवाल है। असल में हम में से हर कोई खुद से पूछ रहा है कि मैं ऐसे डिसीजन कैसे लूं जो गलत ना हो, जिन पर मुझे बाद में पछतावा ना हो। सबसे पहले पछतावे की ही बात कर लेते हैं। पछतावे की भावना कहाँ से आती है? शिकायत से। मतलब बिना शिकायत के पछतावा हो नहीं सकता। हम नौजवानों की खुद से क्या शिकायत होती है? यार, मैं समय रहते सही काम नहीं कर सका, मेरे पास मौका था लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया क्या करना है। ये शिकायत की भावना कब खत्म होगी? जब भविष्य की चिंता न करते हुए जब आप आज और अभी अपनी शक्ति और बुद्धि का पूरा उपयोग करोगे। इसी बात में हमारे सारे जवाब छिपे हैं। इस बात को प्रैक्टिकल नजरिए और स्वामी जी के वचनों से समझते हैं। सबसे पहले सेंस ऑफ कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो प्लेयर्स कंट्रोल महसूस करते हैं वे अनिश्चितता या प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी अनिश्चितता इज इक्वल टू प्रेशर, और प्रेशर का उल्टा है कंट्रोल। अच्छे बैट्समैन जो सफलतापूर्वक बड़े टारगेट्स का पीछा करते हैं, वे हर ओवर के लिए गोल बनाते हैं। अगर ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं तो उनका पहला गोल होता है कि मैं पहली 6 बॉलें सिर्फ खेलूंगा। फिर गोल होता है कि मैं 12 बॉलों में 10 रन बनाऊंगा। जब बैट्समैन एक के बाद एक गोल पूरा करते हैं तो उन्हें कंट्रोल महसूस होता है और वे आसानी से प्रेशर में नहीं आते। हमको डिसीजन लेने में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि भविष्य के प्रति अनिश्चितता बहुत है। हमें नहीं पता कि रिजल्ट की कितनी संभावना है और कब तक आएगा, इसलिए हमें कंट्रोल महसूस नहीं होता और हमारी सोच एक जगह अटक जाती है। डिसीजन और एक्शन लेने के लिए, कंट्रोल महसूस करने के लिए गेम को इसी के सर पर पलट दो। आप वो डिसीजन लेना शुरू करो जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है, जहां आपको पता है कि 100% रिजल्ट मिलेगा और तत्काल मिलेगा।